वैसो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का डे काफी शानदार डे है, डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे कई सारे क्वेश्चन आप लोग के नॉर्मली जो कि एवरग्रीन क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि नेशनल सिविल सर्विस डे किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो हर साल 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा एड्रेस किया गया था फर्स्ट बैच जो हमारी कंट्री में प्रोबेशनर थे उनका, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल मेटकाल्फ हाउस न्यू दिल्ली में 1947 में, तो इस उपलक्ष्य में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। तीसरा पॉइंट यहां पर है कि ये जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये जो शब्द दिया गया था ब्यूरोक्रेट्स को हमारी कंट्री में, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही ये दिया गया था। चौथा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कौन हमारी कंट्री में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो सिविल सर्विसेज है किसको ये नाम दिया गया है इसके पितामह का, तो यह है चार्ल्स कॉर्नवालिस को इसका नाम दिया गया है। तो ये बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि जो रिफॉर्म किया गया था, मॉडर्नाइज किया गया था और रेशनलाइज किया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज को अंग्रेजों के टाइम पर, तो अंग्रेजों के जमाने के जेलर यहाँ पर ये चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं, जिनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। शोले मूवी देखी होगी, हाँ हाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तो इसी तरीके से कुछ भी तिड़मबाजी करके थोड़ा सा आप लोग अगर चीजों को फन के वे में अगर चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो लंबे समय तक आप लोगों की चीजें याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। कभी भी पढ़ाई को बर्डन लेकर नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ। इंजॉय कीजिए कि हाँ कुछ नया सीखने जा रहे हैं, फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ने में। आगे बढ़ता हूँ, अगला सेशन है यहाँ पर आप लोगों के सामने, क्विज तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी इसका स्कोर भी आप लोगों को आंसर बताया जाएगा, जो कि आप लोगों को स्कोर फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले बात की जा रही है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा, अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया है टाटा टेली सर्विस को एक कंपनी के साथ में मर्ज करने की बात की जा रही है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। डूबती नैया को सुधारने कोशिश की जा रही है टाटा टेली सर्विसेज की। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने बोला है कि वो अभी विजिट करने वाले हैं एक और नई कंट्री की, जिससे आने वाले टाइम में एक नया एंगल चेंज होने वाला है इनकी जो रिलेशनशिप है उसका। श्रीलंका के द्वारा अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ये नासा की फैसिलिटी वर्जीनिया से लॉन्च किया गया है और ये श्रीलंका का फर्स्ट सैटेलाइट है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया कि 300% लगभग इंक्रीज हुआ है मिजल्स यानी कि खसरे के अंदर, अगर हम लोग कंपेयर करें लास्ट ईयर इन्हीं इसी फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 महीने हैं 2019 के, अगर स्टार्टिंग के 3 महीने हम लोग लगाएं 2018 के, तो 300% यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर जो भी यहां पर जो इन्फॉर्मेशन थी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड वो डीक्लासिफाइड की गई, फर्स्ट टाइम जो फुल हिस्ट्री रही यहां पर न्यूक्लियर वेपन की, तो ये कब से लेकर कब तक का यहां पर बताई गई, तो 2010 तक का बताई गई, कब से स्टार्ट की गई थी ये बताना है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा अभी यहां पर लगभग 1,76,000 यूरो का बैन लगाया गया एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, यानी कि फाइन लगाया गया, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, इंडिया को अभी 2 ब्रॉन्ज मेडल और 2 सिल्वर मेडल ग्लोबल स्किल चैलेंज में देखने को मिले, आखिर ये कहां पर हो रही थी प्रतियोगिता, बक्सा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, क्वेश्चन के आंसर अभी बताए जाएंगे, मैच करने के बाद में स्कोर लिखना मत भूलिएगा, ये आप लोगों का रिविजन पॉइंट भी आप लोग बोल सकते हैं। भारतीय एयरटेल यहां पर मिलकर काम करने वाली है टाटा टेली सर्विसेज के द्वारा, रशिया के में विजिट करने वाले हैं यहां पर नॉर्थ कोरिया के लीडर, और ये नॉर्मली चाइना में विजिट करते थे, अब रशिया में विजिट करने के बाद में एक और नया एंगल ऐड हो जाएगा, क्योंकि यूएसए जाने से पहले ये चाइना जाया करते थे, अब यूएसए जाने से पहले ये दोनों जगह जाएंगे, पहले यहां पर चाइना जाएंगे और फिर यहां पर जाएंगे ये रशिया, तब जाकर यूएसए से मिला करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या एंगल आता है नया, वो भी आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। श्रीलंका की बात की जाए तो रावण के नाम से मैंने बोला था, आप लोग यहां पर इसको याद रखते हैं, श्रीलंका में जाकर ही रावण को मारा गया था, तो इसी तरीके से इनका जो सैटेलाइट है ये भी इसी तरीके से है, इसका नाम याद रखते हैं, तो फर्स्ट नंबर का है यहाँ पर ये, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया यहाँ पर मिजल्स यानी कि खसरे के बारे में कि 300 गुना बढ़ गया है लास्ट ईयर के कंपेयर में। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1945 से लेकर 2010 तक का जो भी इनके पास में न्यूक्लियर वेपन है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया, पर रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने से मना कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि नहीं पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में हमारी कितनी ताकत है, ये बस हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर फाइन लगाया गया है और ये काफी तगड़ा फाइन है यहाँ पर 1,76,000 यूरो का, और पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है वो बोल रही है कि ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको या तो घटाया जाए या फिर इसको हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट है वो फॉलो नहीं किया था, खासकर जो भी यहाँ पर इसके लिए किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर फाइन लगाया गया है। इंडिया ने जो अभी यहाँ पर 2 मेडल
सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। ये ग्लोबल स्किल चैलेंज में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर ये टूर्नामेंट देखने को मिल रही थी। बक्सा नेशनल पार्क है ये वेस्ट बंगाल में, जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है तालिबान और अफगानिस्तान की बात के बारे में। आप लोगों को पता होगा, पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को, यूएस से जो है वो अफगानिस्तान से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो चाह रहा है कि यहाँ पर जो तालिबानी है वो यहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करें और एक स्टेबल गवर्नमेंट उनकी खुद की निकल कर आए। क्या ऐसा फंडा नहीं देखने को मिले जैसा लीबिया में या फिर दूसरी कंट्री में वो छोड़कर पहले आए थे, इसलिए यहाँ पर सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान की फोर्सेज की यहाँ पर बन नहीं रही है, ये बार बार किसी न किसी रीजन की वजह से यहाँ पर ये पोस्टपोन हो जाती है। तो अभी कतर में होने वाली मीटिंग को पोस्टपोन करने की बात की गई है। देखिए फर्स्ट स्टेप जो होगा ना यहाँ पर इस तरीके से ये होगा कि इन्हीं की जनता के द्वारा, इन्हीं की द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट यहाँ पर पिक्चर में आएगी। जब यहाँ से जो यूएसए के ट्रूप है वो यहाँ से चले जाएंगे। इंडिया भी यही चाहता है, इंडिया के बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम है, इंडिया भी यही चाहता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट चुनकर आए वो ऐसी गवर्नमेंट रहे जो कि खुद अफगानिस्तान के द्वारा ही चुनी जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन है वो अभी कई बार देखने को मिलती है कि किस तरीके से नॉर्मल की जाए, क्योंकि आधा एरिया आप तालिबान के कंट्रोल में है और आधा एरिया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो इसलिए कंडीशन कई बार क्रिटिकल बन जाती है और ऊपर से तालिबान को सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान बॉर्डर से, यानी कि पाकिस्तान की साइड से जो पड़ोसी देश है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। तो यहाँ से पूरी इनको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी इनकी बैक सपोर्ट होती है, यानी कि जो भी इनको मटेरियल चाहिए बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करने के लिए। तो इसलिए काफी प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन आगे निकलती है, आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है, माली के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी रिजाइन दे दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली जब यहाँ पर वायलेंस यहाँ पर हुआ था। ये है मो पार्टी रीजन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जल्दी पूछ ले जाते हैं, आप लोगों को कंट्री के नाम दे देंगे 2-3 और रीजन के नाम पूछ लेंगे, और वो रीजन वो होंगे जहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर या तो मैसेकर हुआ, किसी को मारा गया होगा, कोई बम ब्लास्ट हुआ होगा, कोई युद्ध हुआ होगा, या फिर कोई भी ऐसी रीजन हुआ होगा। तो ये मो पार्टी रीजन माली के अंदर देखने को मिलेगा, और रीजन यहाँ पर ये जो है ये फ्रियो कॉन्टिनेंट में है माली, जो आप लोग कंट्री देखने को मिल रही है यहाँ पर 23 मार्च, जो अभी रिसेंटली 23 मार्च गया है, 160 लोगों की जान गई यहाँ पर जो बुरकैना फिस्को के बॉर्डर पर। और यहाँ पर 2012 से अगर बात करेंगे अलकायदा का काफी कंट्रोल हुआ करता था टेरिटरी पे, तब से यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी इसके बारे में मैप में भी दिखाऊंगा, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है एक मोनेस्ट्री के बारे में, नाम थोड़ा अटपटा है यहाँ पर, इसका नाम है छोईफेल कुडलिंग मोनेस्ट्री। तो ये मोनेस्ट्री यहाँ पर नेपाल के अंदर है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा 18.9 मिलियन नेपाली रुपी दी गई है और तब जाकर यहाँ पर ये कंप्लीट बनाई गई है, जिसका नाम है छोईफेल कुडलिंग मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, आप लोग अगर हिंदी में इसको समझेंगे तो। यहाँ पर कई सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है रहने के लिए, किचन वगैरह, सैनिटेशन फैसिलिटी, सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से डेवलप की गई है। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1946 में, फिर से इसको रीडेवलप करने की बात की गई है। बुद्धिस्ट टीचिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी के साथ में सोशियो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इंट्रीगल पार्ट है अगर आप लोग इसको देखेंगे कि मोनेस्ट्री जो यहाँ पर खासकर नेपाल के अंदर, ठीक है। तो इंडिया ने बनवाया है और बुद्धिस्ट जो ये धर्म से रिलेटेड है, और खासकर आप लोगों को पता है यहाँ पर काफी न्यूज में रहते हैं कई सारी रीजन की वजह से, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन बात की जा रही है, 7th चाइनीज इंटरनेशनल यह टेक्नोलॉजी फेयर जो संघाई में यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो ये जो है यहाँ पर फेयर, ये ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में सब अपने बारे में बात बताते हैं, एक तरीके से क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज यहाँ पर की जाती है प्रोफेशनल लेवल पर, क्या टेक्नोलॉजी कौन से लेवल में इनोवेशन हो रहा है, कहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो चाइना इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजी फेयर है ये स्टार्ट किया गया था 2013 से, तो ये अभी 7वां एडिशन है इसका, जो कि संघाई में देखने को आप लोगों को मिला, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है सऊदी अरेबिया के बारे में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और हमारी कंट्री से एक ह्यूज नंबर मुस्लिम कम्युनिटी वहां पर जाते हैं अपने रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अभी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पहले जो यहाँ पर कोटा हुआ करता था कि हाँ इतने इंडियन मुस्लिम यहाँ पर आएंगे, तो वो पहले 1 लाख लगभग 75,000 हुआ करता था, इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है, अब से पहले यहाँ पर जो महिला हुआ करती थी वो अपने सोहर यानी कि हस्बैंड के साथ जाया करती थी, पर लेकिन अब जो है वो अपने हस्बैंड के बिना भी वहाँ पर जा सकती हैं। ये अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं, तो ये एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। आइए एक बार मैप में निहाल लीजिए लोकेशन कहाँ से कहाँ है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। लगभग 11-11.5 घंटे लगते हैं, और लगभग 34,000 के करीब यहाँ पर फेयर लगता है यहाँ पर अगर जाया जाए तो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में बात की गई थी, ये है हज की लोकेशन, ओके।
इसी के साथ में जो मैंने माली आप लोगों से बताया था कि दिखाऊंगा, यहाँ पर ये है माली और ये हो गया बुर्किनो फिसो, ठीक है। तो बुर्किनो फिसो के बॉर्डर पर यहाँ पर ये काफी जो लोग मारे गए वो यहाँ पर मारे गए एग्जैक्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। ये लोकेशन आप लोग याद रखेगा, ठीक है। अगर बात करें माली की तो इसकी कैपिटल है बमाको, इसकी कैपिटल आप लोग याद रख सकते हैं। और ये हो गया आप लोगों का जो हज यात्रा हो गई, ठीक है। देखो यहीं पे बैठे बैठे मैंने आप लोगों को हज यात्रा करा दी। आइए आगे चलते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आपके आप लोगों से पूछे गए थे शानदार तरीके से, डिटेल में आप लोगों ने आंसर दिए हैं। तो अरविंद कुमार का नाम है यहाँ पर आज जो मैंने यहाँ पर चूज किया है, आप लोगों ने कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दिए, काफी अच्छा लगता है जब आप लोगों के आंसर पढ़ता हूँ, डिटेल में आंसर रहते हैं। आइए नजर आते हैं वेस्ट बंगाल की जो दो स्कीम थी जिनको अभी प्राइज दिया गया था इसके बारे में डिस्कस किया था। ये पहला यहाँ पर उत्कर्ष बंगला, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये सबोध साथी। ये यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और यहाँ पर जो बात की जा रही थी ये बात की जा रही थी साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन की, खासकर स्कूल के बच्चों के लिए। गुरु नानक देव जी की ये यहाँ पर अभी 2019 में 550वीं बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके उपलक्ष्य में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करने की बात हम लोग कर रहे हैं। एलिमिनेशन अगर टीबी की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस इतनी बार डिस्कस कर चुका हूं, अब तो आप लोगों को रट गया होगा। ये वर्ल्ड का जो टारगेट है 2030 है, हमारी कंट्री का जो टारगेट है वो 2025 है, तो ये आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी न्यूज में भी ये रहता है। अगर बात करें यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की, तो हमारे द्वारा जो हाइट नापी गई थी ये 1954 में नापी गई थी, अब फिर से 2015 में अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से नेपाल जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि फिर से वो इसकी हाइट नापे, क्या पता बट क्या पता ये बढ़ गई हो या घट गई हो, क्योंकि लगभग आप लोग देखते हैं लगभग 7 दशक से भी ज्यादा लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग जो अप्रोक्सीमेट आप लोग लगाएंगे यानी कि 7 डेकेड लगभग यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, तो फिर से ये इसको नापने की बात इसीलिए कर रहे हैं। नेक्स्ट ये मैंने पूछा था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में, तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ल्यूशियन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा, तो ये प्रेसिडेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ फॉर्मेशन किया गया था 1924 में, ओके। अच्छा 1924 से रिलेटेड अगर आप लोग हिस्ट्री में चलेंगे तो अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो 1924 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था पहली बात, और वो किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया था, इंपॉर्टेंट सेशन है, जाकर पढ़िएगा, इसके बारे में फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के बारे में, और नेक्स्ट न्यूज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो 1919 में हुआ था, अभी हम लोग खड़े हुए हैं 2019 में, पूरे 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं पहली बात, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस और भी ज्यादा हैं। तो ये बात की जा रही है खूनी वैसाखी के बारे में। खूनी वैसाखी यहाँ पर एक ट्रांसलेशन है जो कि जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद में लिखी गई थी। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर ये अभी आबू धाबी में रिलीज किया गया है। आखिर आबू धाबी में क्यों? क्योंकि इंडियन एम्बेसडर जो है हमारी कंट्री के यूएई में, नाम है यहाँ पर नवदीप सिंह सूरी, इनके द्वारा यहाँ पर ये जो भी रिसेंटली यहाँ पर ये पब्लिश किया गया है, ये इनके ग्रैंडफादर जो इनके ग्रैंडफादर हुआ करते थे उनके द्वारा यहाँ पर ये ऐसी कुछ चीजें लिखी गई थी जो कि अभी इनके द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है और ये आबू धाबी में रिलीज की गई है। लिखी गई थी यहाँ पर उस टाइम पर जब यहाँ पर ये जलियांवाला मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1913 में, तो डेट भी ये याद रखेगा खूनी वैसाखी, क्योंकि वैसाखी का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके उस टाइम पर यहाँ पर ये जलियांवाला बाग का मैसेकर देखने को मिला था। और जब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों आखिर प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग जहाँ पर ये गोली चलाई गई थी इनके ऊपर, रॉयल टैक्ट था यहाँ पर जिसमें लोगों को बिना किसी सबूत के भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम और बताइए, ये भी मैंने आप लोगों कई बार पढ़ा चुका हूँ, उस दिन से यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया। दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनकी गिरफ्तारी के बाद में उसके लिए मेनली प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो उनके नाम भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 100 साल कंप्लीट हुए उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये बुक रिलीज की गई है, नाम है खूनी वैसाखी, ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। जो राइटर थे वो लिखी गई थी नानक सिंह जी के द्वारा, और जो ये अभी ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में ये दिखी है नवदीप सिंह पुरी के द्वारा, ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये हो गए हैं। अब यहाँ पर दोनों के ही नाम आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि 100 ईयर कंप्लीट हुए हैं। ओके आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के बारे में, ये राज्य से न्यूज है जम्मू और कश्मीर के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर अभी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया कंप्लीट ट्रेड जो LOC के क्रॉस में होता है, जो यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। इलीगल वेपन की सप्लाई हो रही थी पाकिस्तान की साइड से, इसके अलावा कई सारी जो उल्टी सीधी दवाइयां होती हैं, फेक करेंसी होती हैं, वो सब हमारी कंट्री में लाया जा रहा था। और खासकर जब से पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं बारामूला में पुलवामा उरी अटैक, तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हो चुके हैं तब से लेकर अब तक, काफी बड़ी प्रॉब्लम
हो चुकी है। तो अभी यहां पर इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हालांकि काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में इसको अलग अलग एरिया में कि ये ऐसे ट्रेड बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कट ऑफ हो गया, पर लेकिन अभी ये कंडीशन निकल कर आ रही है। रिसेंटली अभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी ऐसी कंट्री जिससे हम लोगों ने मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस छीना गया था, तो ये हम लोगों ने पाकिस्तान से छीना था अभी, और पाकिस्तान ने हमको ये स्टेटस कभी दिया ही नहीं था। प्रेफरेंस एक तरीके से दिया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी कंट्री के, यानी कि उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है अगर किसी को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे दिया जाता है। पाकिस्तान ने हमको आज तक नहीं दिया था, हम लोगों ने बहुत पहले से इसको दे रखा था, जो कि अभी यहां पर पुलवामा अटैक के बाद में ये कंडीशन देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर है, जो कि है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, IFR इसको बोला जाता है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू अब की बार जो देखने को मिल रही है ये चाइना में देखने को मिल रहा है, क्वांगदाओ वाले रीजन में, और हमारी कंट्री से दो यहां पर अभी जो हमारी कंट्री के जो दो शिप है यहां पर पहुंचे, एक तो है INS कोलकाता और दूसरा यहां पर INS शक्ति, तो दोनों यहां पर पहुंच रहे हैं कहां पर, चाइना के अंदर में। और ये अब की बार 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी चाइना के अंदर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक तरीके से जो ये जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो होता है यहां पर परेड होती है, नेवल शिप्स एयरक्राफ्ट और सबमरीन जो होते हैं उनको सबको मिलाकर यहां पर प्रमोट किया जाता है, गुडविल स्ट्रेंथ और कोऑपरेट कैसे किया जा सकता है एक दूसरी कंट्री के बीच में, खासकर कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए। सेकंड जो इसकी IFR यानी कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी ये हमारी कंट्री में विशाखापत्तनम में 2016 में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। इसी के साथ में INS कोलकाता और INS शक्ति के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है कि हाँ ये एड्रेस कर सकता है, इक्विप कर सकता है जो वॉर वेपन होते हैं उनको, और एक तरीके से सेंसर वगैरह भी लगाए जा सकते हैं, नेवल वॉरफेयर के लिए ऑल डायमेंशन के लिए अच्छा है। INS शक्ति की बात करें तो यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े टैंकर 70,000 टन तक के, इसी के साथ में लिक्विड लगभग अगर देखा जाए तो ये 15,000 टैंक, और सोलिड की अगर बात करें तो लगभग 500 टन तक की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि यहाँ पर एम्युनेशन वगैरह ये लेकर चल सकता है। तो दोनों एक तरीके से लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप लोग इनको देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है खासकर अपनी कंट्री के लिए हम लोग बात करें तो कहां पर हो रही है, ये हो रहा है अब की बार चाइना में। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर साइंस और टेक के बारे में। तो जो ये न्यूज है आप लोगों के सामने ये बात की जा रही है कैंसर के बारे में पहले से ही पता लगाना, यानी कि कैसे अगर उसका पता लगा जाए थोड़ा सा तो एबिलिटी हो जाती है डायग्नोस करने की, यानी कि उसको सुधारने की पहले से ही अगर थोड़ा पता चल जाता है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर इसको ठीक किया जा सकता है। सिस्टम क्या है यहाँ पर, ये सिस्टम है फोकल नेट। फोकल नेट यहाँ पर हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में कि किस तरीके से डिजीज बढ़ रही है, और जिस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है यहाँ पर नॉर्मली अगर MRI की बात करें यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के द्वारा जो स्कैन किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग का आइडिया लगता है, यहाँ से और जल्दी और अच्छे से पता लगाया जा सकता है चीजों का, और ज्यादा एक्यूरेसी से चीजों को ठीक किया जा सकता है, ये बात बोली जा रही है। टाइम भी और जो पोटेंशियल है वो सही करने का और जो टाइम है दोनों सेव होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसी को आगे करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं अगर कैंसर यहाँ पर होता है किसी भी तरीके से, जैसे प्रोस्टेट कैंसर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से आप लोग कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये ब्लेडर हो गया, यहाँ पर यूरिन वगैरह यहाँ पर रहता है, तो ये वाला एरिया अगर आप लोग देखेंगे तो इसको ठीक करने की बात की जाती है। यहाँ पर ये नॉर्मल है और ये वाला आप लोग देखिए ये प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्पोर्ट के बारे में। तो हमारी कंट्री के लिए फिर से खुशी की खबर है कि बजरंग पूनिया ये वर्ल्ड में नंबर वन स्पोर्ट पर आ गए फिर से। 65 किलोग्राम की कैटेगरी में शानदार तरीके की परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी गई थी। रैंकिंग रिलीज की जाती है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहता है कि ये रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज की जाती है, और इंपॉर्टेंट क्या है क्योंकि हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है वो टॉप पोजिशन पर है। पुणे के द्वारा गोल्ड जीता गया था एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में जो देखने को मिला इनके द्वारा, यहाँ पर सिल्वर जीता गया वर्ल्ड चैंपियनशिप में लास्ट ईयर, और 58 पॉइंट यहाँ पर जो कि रशिया के जो टॉप थे उससे आगे ये निकल गए, जिनका नाम है अकमद चकेव जो रशिया के थे। इसी के साथ में अभी जो नेक्स्ट अभी होने वाली है ये 23rd में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप चाइना में होने वाली है। तो ये भी याद रखते हैं कि चाइना में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर होने वाली है, चाइना में होने वाली है 23rd अप्रैल से। तो उसके लिए फिलहाल अभी ये प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो पोजीशन इनके द्वारा अचीव की गई थी नवंबर में अचीव की गई थी, जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इस तरीके से आप लोग एक तरीके से रिविजन भी बोल सकते हैं। और इसी के साथ में जो लास्ट टाइम इनके द्वारा गोल्ड जीता गया था यह है डैन क्लोव निकोला पेट्रोव। तो यहां पर ये टूर्नामेंट हुई थी बुल्गारिया के अंदर जब इन्होंने यहां पर गोल्ड जीता था। तो शानदार परफॉर्मेंस देते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है जयदीप सरकार, हमारी कंट्री के नेक्स्ट हाई कमिश्नर जो होने वाले हैं साउथ अफ्रीका के लिए, वो होने वाला है जयदीप सरकार। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि इस तरीके से यहाँ पर इनका काम स्टार्ट होने वाला है, और ये 1987 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली भूटान के एम्बेसडर यहाँ पर ये हैं। तो अब कहाँ पर होंगे ये, अब पहुंचेंगे साउथ अफ्रीका, और सर्व किए हैं ये इंडियन मिशन टोक्यो सियोल और बांग्लादेश में भी, यानी कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास में।
इसी के साथ में एक और पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये है सोहेल अजाज खान। तो यहाँ पर इनको प्रेजेंटली जो कि सर्व कर रहे हैं इंडियन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन साउथ, यहाँ पर सऊदी अरेबिया में इनको नेक्स्ट एम्बेसडर बनाने की बात की जा रही है लेबिनन के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप लोग आइडिया रखते हैं। आइए जानते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। आज का जो नेशनल पार्क है ये है गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर, लोकेशन एग्जैक्ट ये वाली आप लोगों के सामने है। ग्रेट वन हॉर्न राइनोज जो यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में इसको इंडियन राइनो सर्च अगर देखेंगे इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफी लार्ज स्केल पर होने की वजह से इसके नाम से कोरिलेट कर भी इसको देखा जाता है। और ये बेस्ट अमंग द जो प्रोटेक्टेड एरिया है हमारी कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था 2009 में। तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आज का पॉलिटिकल लेक्चर जो कि सेकंड पार्ट है यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ये जाकर आप लोगों को डिस्कस करना है, फिर से यहाँ पर आप लोग रिवीजन कर लीजिए कौन सा शेड्यूल है यहाँ पर, कौन सा अमेंडमेंट किया गया, ये 1992 में अमेंडमेंट किया गया। ये सेकंड क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हालांकि कल वाले क्वेश्चन में होना चाहिए था, कल वाली वीडियो में क्वेश्चन होना चाहिए था पर लेकिन आज कोई नहीं। ये बात की जा रही है 1882 में उस वॉयसराय का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट किया गया था, जिसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है टोटल कितने तरीके की अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, ये आप लोगों को बताना है जो कि डिटेल में डिस्कस यहां पर की गई है इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे नहीं कि एक ही तरीके की है, तमाम तरीके की देखने को मिलेगी। और ये हम लोगों ने देखा था कल तीन मिनिस्ट्री यहां पर अर्बन लोकल बॉडीज को कंट्रोल करती हैं, तो वो भी आप लोगों को पता लगा कल आप लोगों ने देखा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर डिटेल में आप लोग इसको देख सकते हैं या फिर सर्च कर लीजिएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाय वीर, तब भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आइए नजर आते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। नेशनल सिविल सर्विस डे के बारे में जाना, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्विज था जिसका आंसर आप लोगों ने अच्छे से दिया। इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है अफगानिस्तान और यहाँ पर जो तालिबान है उसके बीच में। इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पर माली में क्या कंडीशन बनी हुई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखी, एक मोनेस्ट्री बनाई गई नेपाल में इंडिया के द्वारा हेल्प की गई बनाने के लिए। सेवंथ चाइना इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजी फेयर है ये अभी संघाई में देखने को मिला। इसी के साथ में सऊदी अरेबिया ने हज का कोटा इंडियन कम्युनिटी के लिए बढ़ा दिया, एक अच्छी बात है। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं। जलियांवाला बाग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में LOC के ट्रेड की बात की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, वो भी कई बार न्यूज में रहता है, उसके बारे में बताइए आप लोग। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है आप, ये इंटरनेशनल फ्रीट रिव्यू के बारे में हम लोगों ने समझा जो कि चाइना में भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में फोकल नेट एक सिस्टम जिसकी हेल्प से हम लोग जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके बारे में पता लगा सकते हैं और जल्दी से उसका निवारण भी कर सकते हैं। बजरंग जो पुनिया है वो हमारी कंट्री के फिर से टॉप पर पोजिशन पर पहुंच गए हैं नवंबर के बाद में। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट हाई कमिश्नर सऊदी अरेबिया और एक और पर्सनैलिटी के बारे में जाना, एक नेशनल पार्क, और ये था आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज के क्वेश्चन देखिए अब आप लोग जो कि आप लोग अटेम्प्ट करने हैं। इंडिया के द्वारा जो मोनेस्ट्री रिबिल्ट की गई है यहाँ पर कहाँ पर, ये नेपाल के अंदर लगभग 8.9 मिलियन से, ये इसका नाम क्या है। सेवंथ जो चाइना में अभी इंटरनेशनल ये टेक्नोलॉजी फेयर अभी देखने को मिल रहा है, ये स्टार्ट कब से किया गया था, जब इसका फर्स्ट एग्जीबिशन देखने को मिला था। इसी के साथ में बताना है यहाँ पर आप लोगों को उस कंट्री का नाम जहां पर अभी मोपटी रीजन में काफी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर जो रेजिग्नेशन दे दिया गया एंटायर गवर्नमेंट के द्वारा। सऊदी अरेबिया के लिए अगर बात की जाए तो हज का जो कोटा है हमारी कंट्री का वो कितना अभी हो गया है, जो कि पहले यहाँ पर 1,75,000 हुआ करता था। एक बुक का नाम आप लोगों को बताना है जो कि जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, अभी रिसेंटली रिलीज की गई है, ठीक है, रिलीज की गई है UAE में। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे रिलीज की गई है, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीका है, क्योंकि हमारी कंट्री में रिलीज नहीं की गई है, होनी हमारी कंट्री में चाहिए थी, तो इसलिए भी ये अलग तरीके से न्यूज में आ गया। ऐसे भी स्टेटमेंट कई बार बन जाती है। हमारी कंट्री के जो एम्बेसडर है नवदीप सिंह सूरी, इनके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च की गई है, ठीक है। इसके आगे अगर बात करें ट्रांसलेट भी इनके द्वारा ही की गई है। अगर इसके आगे बात करें हम लोग यहाँ पर बात की जा रही है, आप लोगों को ये बताना है उस पर्सनालिटी का नाम जो कि यहाँ पर 65 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल जो कुश्ती में टॉप पोजीशन पर है आज की डेट में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है गोरुमारा नेशनल पार्क के बारे में, ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, अगर लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए डिसलाइक क्यों किया है। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय करिए और खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन भी। ओके, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।